नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में जिस तरीके से एसटीईटी परीक्षाओं के ऊपर जो सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी छात्र हैं, वो जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं सड़कों पर, कभी बिहार बोर्ड की जो मुख्य द्वार है उसको तोड़ दी जाती है, तो कभी शिक्षा मंत्री के ऊपर शब्दों से वार किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बीच आज शिक्षा मंत्री का, नीतीश कुमार का, इन लोगों का पुतला दहन जो है वो पटना के सड़कों पर कर दिया गया। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो भीड़ है अपने हाथों में पुतले को लिए हुए एक साथ बढ़ रही है सब पटना की सड़कों पर। और ये देखिए कि जिस तरीके से इस पुतले में आग लगाया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल और उनके साथ साथ जो अभ्यर्थी थे एसटीईटी परीक्षाओं के, वो एग्जाम में हुए धांधली को लेकर से काफी गुस्साए हुए हैं। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। तरह से हम लोगों ने देखा कि मेरिट लिस्ट जो शिक्षकों का जो आया है उस पर कई सवालिया निशान हैं। किस आधार पर यह मेरिट लिस्ट बनाया गया, जबकि जितने शिक्षकों की ज़रूरत थी मेरिट लिस्ट में, जो क्वालिफाइड लिस्ट हैं उसमें कम शिक्षकों को क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद भी इस तरह का मेरिट लिस्ट में यह समस्या है, साफ तौर पर सरकार के नीति और नियत को स्पष्ट करती है। सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करना चाहती, इसलिए लाग लपेस कर लगातार इस मामले को फंसाती चली जा रही है। आज हम सड़कों पर उतरे हैं और शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि अगर आप शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकते तो आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें, और नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि वो छात्रों को और अभ्यर्थियों को बताएं कि किस आधार पर इस मेरिट लिस्ट का निर्माण किया गया है, और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है, मेरिट लिस्ट की सारी विसंगतियां दूर नहीं की जाती है, तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनकी आवाज़ में वो रोष सुनाई दे रहा था जो नीतीश सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर आज दिखाई दिया। बाकी इस तमाम जानकारी के लिए हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, और कोई नई अपडेट आएगी तो उसको भी लेकर के आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।